हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने नए घर में जाने वाली हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि गृह प्रवेश होने वाला है, गृह प्रवेश 4 महीने के बाद होगा। और जब भी वो चीज़ें होने वाले होंगे तो मैं आप लोग को वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं आज आप लोग को व्यू देने जा रही हूँ, मतलब आज आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि मेरा न्यू घर कहाँ तक पहुँचा और कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी मैं आज आप लोग को शेयर करूँगी। तो चलिए, इस व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए गाइज, आजा बिन्नी बिन्नी जल्दी आ। गाइस, यहाँ पर कुछ दिन पहले शादी हुआ था, शादी नहीं मतलब ऐसे ही मंडप लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ काम हो रहा था। उधर आगे चलो, आगे चलो। तो गाइस, जब हम लोग निकल गए हैं तो पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ से 10 से 15 मिनट का दूरी पर है हम लोग का घर, अपना घर। अपार्टमेंट और प्लस अपना घर मिलाओ तो सबसे अच्छा अपना ही घर लगता है, मतलब ये हर कोई जानता होगा। और यहाँ पर हम लोग सोचे कि थोड़ा सा व्लॉगिंग यहाँ पर कर ले, और उसके बाद मैं रास्ते पर व्लॉग नहीं शूट करती हुई आई, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ था तो मैं वहाँ व्लॉगिंग नहीं करने वाली थी। क्योंकि मैंने आज सेल्फी स्टिक भी लिया था और ट्राईपोड भी लिया था साथ में, ताकि मैं यहाँ पर आज अच्छे तरीके से व्लॉग बनाऊँ। एंड गाइज, ये जो गेट आप देख सकते हैं, यहाँ इतना भारी गेट है कि हम लोग ये लोग खिसका नहीं सकते। और ये अच्छा हुआ मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई हूँ, अगर बच्चे लोग के साथ अकेले यहाँ पर आती तो बाहर ही रह जाते आज। और इसी वजह से इनको आज लेकर के आई, ताकि ये मेरा हेल्प कर सके वीडियोस बनाने में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी हम लोग का घर का काम मतलब अभी कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से सिर्फ पलस्तरा ही हुआ है। और मैंने सोचा कि ये वाला गेट खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि ये पीछे साइड का गेट है जो कि मुझसे खुला नहीं, इतना टाइट था। तो ये नीचे वाले दो रूम है जो आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। दोनों रूम इतने अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े रूम हैं नीचे में भी, ताकि कुछ मेहमान यहाँ पर रुक सके। और हम लोग ऊपर अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, एंड वहाँ पर कितना काम हुआ है वो मैं देखने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर मुझे सरप्राइज मिलते हैं, क्योंकि जैसा जो काम पहले से पड़ा था एकदम वैसा ही काम है। अभी काम आगे नहीं बढ़ा है, पता नहीं कोई कारण के वजह से यहाँ पर, किसी वजह से यहाँ पर काम अभी रुका हुआ है। तो अभी हम लोग जहाँ पर रहने वाले हैं फ्यूचर में, वो इतना अच्छे रूम, जैसे ये भी अपार्टमेंट के तरह ही कुछ ऐसा व्यू आया है, मतलब रूम के अंदर ही बाथरूम, क्योंकि ये सब अपार्टमेंट में ही शो करता है, मतलब दिखता है। और आप लोग भी अगर अपार्टमेंट में रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो सामने में जो हम लोग का फ्रंट साइड है घर का, यहाँ पर चारों तरफ से बालकनी है। तो यहाँ पर देख के थोड़ा मज़ा तो आ गया, क्योंकि अच्छा लग रहा था सामने से देखने में। एंड ये हम लोग का साइड है जो आप लोग को आगे चल के पता चलेगा गाइज, क्योंकि इतना सिंपल और साधारण सा फैमिली जब खुशी खुशी एक परिवार लेकर के सेटल होता है तो वो देखने में कितना मज़ा आता है। आप लोग को भी मैं ज़रूर वीडियोस के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं गाइज कि पता नहीं किस वजह से ये लोग ऐसे हो रहे हैं। ये आगे के वीडियोस में आप लोग को पता चलने वाले हैं। एक समय के अनुसार हर किसी को फैमिली के साथ सेटल होना पड़ता है, लेकिन हम लोग, ये एक अच्छी बात है कि हम लोग सब साथ में ही रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे जगहों पर सब बहुत सारे घरों में देखा है कि बहुत लड़ाई झगड़ा कर करके सेटल होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छी बात है कि बिना लड़ाई झगड़े के हम लोग सेटल हो रहे हैं, क्योंकि ये सब एक रीज़न के वजह से हो रहा है। मेरी सास भी चाहती थी कि उनके रहते ही ये सब सारा चीज़ हो, लेकिन मेरी सास का ये जो इच्छा है मतलब ये शायद पूरा नहीं हो पाया उनको, मतलब वो जो है समय से पहले ही उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकियों का मुझे पता नहीं। लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरा एक सपोर्ट था गाइस घर में, जो भी कुछ मैं करती हूँ सिर्फ उन्हीं के बदौलत करती थी। आज सिर्फ ससुर जी के परमिशन से ही मैं वीडियोज़ बना पाती हूँ, वो
कहते हैं तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ, वही बोले थे एंड उन्हीं का सपोर्ट था गाइज। ऐसे मैंने हस्बैंड जी से पहले भी नहीं पूछी थी कि वीडियोस बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन मैंने वीडियोस बनाने का तय किया वो भी ससुर जी से पूछ करके। अगर वो नहीं कहते तो मैं नहीं बनाती। अभी भी वो बोलेंगे वीडियोज़ बनाना बंद कर दो तो मैं बनाना बंद कर दूंगी, क्योंकि उन्हीं में एक पावर है जो मेरा वीडियोज़ को रोक सकते हैं एंड मैं उनका बात को मानूंगी, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि मैं सफलता की ओर पहुँच रही हूँ एंड कोई भी बीच में ना आए गाइज, इस वजह से वो आगे खड़े रहते हैं। तो इस वजह से ही मैं वीडियोस बनाने के लिए हर जगह आ जाती हूँ या फिर घर में भी बनाती हूँ, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं गाइज। हर किसी को ऐसा ही सपोर्ट एंड फैमिली मिलना चाहिए गाइज, क्योंकि मैं बहुत दिल से एकदम उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है कि तुमको जो करना है तुम कर सकती हो, बस कुछ गलत कामों से दूर ही रहना। क्योंकि वीडियोस जो बनाते हैं वो मर्यादा में रह करके बनाना चाहिए, ज़्यादा होल झोल करके वीडियोस नहीं बनाना चाहिए ताकि फैमिली एम्बेरस ना हो गाइज। तो इस वजह से उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब दिल से शुक्रिया। और बहुत चीज़ जब जब से मेरे ससुर जी मान गए कि हाँ तुम वीडियोज़ बना सकती हो गाइज, तो उसके वजह से सारे फैमिली वाले भी मान गए, क्योंकि उनके उनका कहना मतलब वही एक घर में गार्जियन है जिनके वजह से, मतलब अभी सास के बाद तो वही है जिनको मैं मना सकती हूँ और उन्हीं से सारा चीज़ परमिशन लेकर के कर सकती हूँ। एंड गाइज इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं जिस वजह से मैंने ये वीडियोस बनाया है। वैसे तो यहाँ पर अभी भी काम चल ही रहा था, मतलब चल नहीं रहा था, अभी भी काम अभी रुका हुआ है, ऐसे हम लोग अभी कुछ करवा नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है गृह प्रवेश में। जब जिस टाइम जो टाइम आएगा गृह प्रवेश का, वो टाइम मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगी। ये पूजा रूम है हम लोग का, छत पर हम लोग पूजा रूम बनाया है। एंड गाइज मैं जिस वजह से यहाँ पर व्लॉगिंग के लिए आई थी वो व्लॉग तो बन चुका है और आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कि यहाँ पर कहाँ तक काम रुका है, कहाँ तक काम हो रहा है, ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। गाइज जब काम होगा तो फिर मैं यहाँ पर आकर के वीडियोज़ बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैंने अभी तक आप लोग को शेयर नहीं किया है। यहाँ से अनाया का स्कूल भी दिखता है, तो मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें गाइज जो मैं आप लोग अभी तक नहीं बताई हूँ, वो धीरे धीरे वीडियोज़ में आप लोग को पता चलेंगे। और आप लोग प्लीज़ लगातार वीडियोस को वॉच करते रहिए और यहाँ पर आप लोग भी एंजॉय कीजिए कि हम लोग ब्लॉग आज जहाँ बनाने के लिए आए हैं वो कैसा है, वो जगह कैसा है। गाइज आप लोग को पता चल ही गया है कि घर हम लोग का कहाँ तक पहुँचा, मतलब कहाँ तक काम पहुँचा, घर का तो पैरात नहीं है जो चल के इधर उधर जाएगा। सो इस वजह से बोलने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन हाँ घर का भी थोड़ा थोड़ा काम हो ही रहा है, मतलब धीरे धीरे जो होता है ना काम हो ही रहा है। ये जो छत देख रहे हैं ये पहले कितना गंदा था गाइज, अभी पूरा साफ एकदम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी ढलाई होने वाला है। और यहाँ पर मैं कुछ थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रही थी और मुझे पता है थंबनेल तो मेरा पूरा वो होगा नहीं, इम्प्रेशन जाएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी थंबनेल बनाने का कोशिश करती हूँ। और मैंने बहुत सारे थंबनेल में बदलाव भी कर दिया गाइज, तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग कंप्लीट होता है। आप लोग प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करिएगा एंड उसके आगे मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, आप लोग को म्यूज़िक से ही काम चलाना पड़ेगा गाइज।
एंड गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं घर, और वहाँ से आते आते हम लोग को कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, और यहाँ पर धनिया पत्ता हम लोग जैसे ही ले रहे थे, यहाँ पर सामने से जीजा जी भी सब्जी खरीद रहे थे। मुझे नहीं पता था क्योंकि यहाँ पर देवघर में जीजा जी भी, मतलब मेरी दीदी का शादी यहीं पर हुआ है देवघर में ही, तो यहाँ पर जीजा जी सामने से ही मिल गए। तो यहाँ पर हम लोग मतलब कि सब्जी लेते लेते ऐसे ही मिल गए थे, तो यहाँ पर हम लोग मिल तो लिए। एंड यहाँ पर हम मैंने कहा भी था कि चलिए घर, यहाँ पर क्यों सब्जियाँ ले रहे हैं, घर में बना करके मैं खिलाऊंगी मटन या फिर चिकन जो खाना चाहें। तो इन्होंने कहा कि फिर कभी आएंगे ऐसे, मतलब दीदी के साथ ही आएंगे ऐसे ये कह रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर मिलने के बाद हम लोग निकल चले घर, क्योंकि वो भी सब्जी लेने के लिए ही आए थे गाइज। और यहाँ पर हम लोग घर आए तो आना इतना थक गई थी कि एक प्लास्टिक भी नहीं पकड़ पा रही थी। यहाँ पर बोले कि मम्मी अब मुझसे चला नहीं जाएगा, जबकि लिफ्ट है, ये लिफ्ट छोड़ करके सीढ़ी से जा रही है गाइस, कितना मेरी बेटी में हिम्मत है। और गाइस आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बीच में वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर में मतलब थक जाती हूँ बोलते बोलते। और यहाँ पर थोड़ा सा आने के बाद ही तुरंत मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करने लगी। और गाइस जिस दिन गृह प्रवेश होगा उस दिन का वीडियो आप लोग को जरूर आएगा। एंड गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।